नमस्कार, मेरा नाम है अंकुश यादव और मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता हूँ एक से एक लेटेस्ट वीडियोस, एक से एक लेटेस्ट जानकारी। जैसे मैंने पिछले वीडियोस बना चुका हूँ, मूवीज़ पैसे कैसे कमाती हैं, आईपीएल पैसे कैसे कमाता है और यहाँ तक कि एमबीए चाय वाले की सक्सेस स्टोरी बता चुका हूँ मैं, एंड जॉब और बिजनेस में डिफरेंस भी बता चुका हूँ, एंड मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये भी बता चुका हूँ। तो मैंने ऐसे 10 से 12 वीडियोस अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा, आज मैं बैठा था, मैंने ये चीज़ सोचा कि मैं वीडियो अपलोड तो करता हूँ लेकिन आप लोग मेरे वीडियो देखेंगे क्यों? क्या रीज़न कि आप लोग मेरे से वीडियो देखें, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो देखें? ऐसे तो कई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, ऐसे ही नहीं मतलब हटके भी हैं, अलग हैं, लेकिन इसी कैटेगरी के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हैं, तो आप सिर्फ मेरी ही वीडियो क्यों देखें? तो ये मैं सोच रहा था क्या रीज़न है, क्या आपको पता क्या रीज़न है? आपको लगता हुआ कि आप मेरे से वीडियो क्यों देखेंगे? क्योंकि मैं अच्छे वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोग को लगता होगा कि हम इसके पास वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि अच्छे वीडियो नहीं बनाता। कई लोग बोलेंगे ये कॉपी पेस्ट करता है। तो बहुत सारी कुछ लोग अच्छे लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग हेट करते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँ तो मैं कौन हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा और मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ उस चैनल के थ्रू, वो भी आज मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ कि मेरा नाम है अंकुश यादव और मैं रिसेंटली अभी मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं काम क्या करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भैया आप कौन सा काम करते हो, कितना पैसा कमाते हो जो आप हमको ज्ञान दे रहे हो। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने पास्ट में क्या काम किया है और मैं अभी क्या काम करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं अपनी एज बता दूँ, मेरी एज अभी 17 साल कुछ 5-6 महीने, तो मतलब 17.5 साल मान के चलो आप, ये मेरी एक एज है आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है कि इस हिसाब से, और आधार कार्ड कभी गलत नहीं होता। तो मेरी एज जो है 17.5 साल है अभी करेंट में। तो मैं अभी तक क्या क्या अचीव कर चुका हूँ, क्या क्या मैं करता हूँ, क्या कर चुका हूँ एंड क्या क्या करने वाला हूँ आगे, उस सब मैं आपको डिसाइड अभी आपको बताऊँगा, जिससे आपको समझ में जाएगा कि आप मेरे वीडियोस क्यों देखें और आपको मेरे वीडियोस से कौन सी वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आफ्टर 10th। मैं 10th तक एक अच्छा स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, मान चलते हैं 80-90% बन जाते थे। देन उसके बाद क्या हुआ, मैं कोरोना बैच था तो कोविड लग गया, स्कूल बंद हो गए, तो भैया हम बैठे थे घर में, तो घर में बैठे बैठे क्या किया जाए? तो घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में कर ही कह सकता है इंसान। फिर मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था तो मुझे इसमें पता चला कि कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी होते हैं, तो मैंने ऐसे एक दो में क्लिक किया, जांच पड़ताल किया, तो सबसे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो मुझे ये सभी ने बताया, जितनी रिसर्च किया उसमें बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे बायोसेस हुई, IMC हुई, RCM हुई, वेस्टीज, फॉरएवर लिविंग, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। तो मैंने सभी पर रिसर्च किया एंड सबसे बेस्ट मुझे लगी, मैं आपको किसी को करने को नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जो मुझे बेस्ट लगी मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ज्वाइन किया वेस्टीज। मैंने तो 11th क्लास रनिंग थी मेरी, मतलब पास होने वाला था मैं, ख़त्म होने वाली थी लॉकडाउन में, उसमें क्या रनिंग क्या पास फेल तो सब ऐसे ही हो गया। तो मैंने 11th के लास्ट में वेस्टीज ज्वाइन की। मैंने वेस्टीज में 5-6 महीने काम किया, एक टीम है कुलदीप सर की टीम है, तो उनकी टीम में मैंने काम किया 5-6 महीने। देन वहाँ से मुझे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिले, जैसे मेरी बोलने की स्किल्स डेवलप हुई, मेरी पब्लिक स्पीकिंग करने की स्किल्स डेवलपमेंट हुई और मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत कुछ वहाँ से डेवलप हुई है। मैं सामने बहुत सारे लोगों के सामने नर्वस नहीं होता हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात कर सकता हूँ, स्पीच दे सकता हूँ, तो ये सब क्वालिटीज़ मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिली। और रही बात पैसे कमाने की, तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने के उद्देश्य से बिल्कुल ज्वाइन नहीं की थी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी बिजनेस सीखने के हिसाब से और क्या करने के हिसाब से, नॉलेज लेने के हिसाब से कि मैं इस फील्ड से कितना नॉलेज ले सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की थी नीचे स्तर से। और 5-6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद क्या हुआ, मेरे अचानक से स्कूल खुल गए। मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से, तो मुझे 12th में स्कूल जाना पड़ा, हॉस्टल जाना पड़ा, जिसके वजह से मैं बिजनेस रन नहीं कर पाया, मुझे वो बिजनेस वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने वो बिजनेस ड्रॉप करके स्कूल चला गया। 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फिर से ज्वाइन किया, वेस्टीज ही ज्वाइन किया, बट मैंने इस बार ज्वाइन किया टीम सोनू शर्मा, TSS। सोनू शर्मा को आज कौन नहीं जानता, सोनू शर्मा इंडिया के बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बिजनेस कोच भी हैं। तो मैंने उनकी टीम ज्वाइन किया, उनके अंडर में रहकर मुझे उनसे डायरेक्ट बात तो कभी नहीं हुई, बट उनकी लाइव वेबिनार्स अटेंड करके, उनकी टीम के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप आइडियाज, बहुत सारे बिजनेस ग्रो करने की टेक्निक्स मैंने वेस्टीज के थ्रू टीम सोनू शर्मा से ली। तो ये था मेरा वेस्टीज की जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग की, जो मैं अभी करेंट में भी रन कर रहा हूँ। देन सेकेंड चीज़ आती है, जो मैंने इसके अलावा और क्या किया, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना होगा आपने, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया है। एफिलिएट मार्केटिंग दो टाइप की होती है, एक खुद किसी कंपनी कोई वेबसाइट ढूंढकर उसके प्रोडक्ट्स को सेल करना, या क्या करना, प्रोवाइड करवाना किसी को, या उसका एडवर्टाइजमेंट करना। एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि कोई आपकी लिंक से वो प्रोडक्ट खरीद तो आपको उसके बदले कमीशन मिलता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी मैंने की है, इसका ही मैंने अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट किया इससे। जैसे मैं आपको बता दूँ, डिगी स्टोर, 24, जेवीजू और क्लिक बैंक जैसी वेबसाइट पर मैंने बहुत महीनों काम किया, मैं अभी भी उस पर काम कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा एक एफिलिएट मार्केटिंग और होती है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स वाली होती है। तो उसमें आप बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा बिजगुरुकुल का नाम, लीड्स गुरु का नाम, ऐसे ही बहुत सारे अभी नए नए एफिलिएट प्रोग्राम निकलते जा रहे हैं। तो मैंने ज्वाइन किया उसके बाद बिजगुरुकुल, बिजगुरुकुल से ही मैंने अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट किया। वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, वहाँ से मैंने इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेट लिया। ऐसे ही मैंने बहुत सारे कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया वहाँ से मैंने किया इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड का, कैनवा एक्सपर्ट बना वहाँ से, वीडियो सुपर स्टार का कोर्स भी मैंने वहाँ से किया। एंड ऐसे ही फेसबुक मैसेंजर मास्टरमाइंड का कोर्स भी मैंने वहाँ से किया। ब्लॉगिंग, ब्लॉग बनाना, वेबसाइट बनाना, सब मैं कुछ बिजगुरुकुल के थ्रू सीख चुका हूँ। एंड इन्होंने मुझे लाइव वेबिनार्स के अंदर इतना बिजनेस से रिलेटेड इतनी जानकारी प्रोवाइड की, तो मैं उससे इतना तो है कि इतना इस जर्नी में नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग की इस जर्नी में मैंने इतना नॉलेज तो ले लिया कि मैं थोड़ा बहुत आपको अपना इस एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो मैं बस आपको नई नई स्किल्स, न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ और अदर स्टार्ट जो अदर बड़ी कंपनियां हैं जिनके अच्छे अच्छे टर्नओवर है, जो अभी रिसेंटली ग्रो करी है, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, या गौतम अडानी, रतन टाटा, ऐसी कंपनी, उसके बारे में भी रिव्यू देता हूँ अपने चैनल पर। तो ये थी मेरी कुछ अचीवमेंट्स। एंड मैं आगे क्या करने वाला हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल रन करने वाला हूँ। एंड मैं इस पर पैसे कमाने के उद्देश्य से तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मेरा एक मेन मोटिव ये रहता है यूट्यूबर का फर्स्ट में, कि वो सामने वाले को, मतलब ऑडियंस को, ऑडियंस से कनेक्ट हो सके, लोगों का प्यार हमको मिले, और हम उन तक अपने ऐसे वीडियोस पहुंचाएं जिनको उनको उनको हमारे वीडियोस की वैल्यू समझ में आए, और हम उनको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा सकें। तो मैं आपको एक अच्छी वैल्यू प्रदान करने आया हूं। मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आपको बिजनेस में क्या गलती करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, इस बुक को पढ़ने से आपको कौन सी नॉलेज मिलेगा, ये सब मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूँ। तो अगर मेरे इस इंट्रोडक्शन से आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो प्लीज़, अगर आपको लगता है ऐसा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो आप कोई मुझसे, शायद ही कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हो, अगर कोई पूछे तो उसको ये वाला वीडियो दिखा देना। आप सभी का थैंक यू मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, और बढ़ते हैं, चलिए साथ में आगे जाएंगे, साथ में ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे, दुनिया को बदलेंगे। जय हिंद।